सोचिए आज रात को आपको एक फ्लाइट पकड़नी है एयरपोर्ट से एंड आपको एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी बुक करनी है, जिसके लिए आप अपना फोन निकालते हैं एंड ओला या उबर कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं और एक सेडान टैक्सी को बुक करते हैं एंड जो टैक्सी आपके पास आपको लेने के लिए आएगी जो एयरपोर्ट पर छोड़ेगी उसके हायर चांसेस है कि वो एक मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर होगी। तो चलिए, कैब आपके घर पहुंच चुकी है एंड आप उस कैब में बैठ चुके हो अपना सामान लेकर के एंड एयरपोर्ट के लिए आप निकल चुके हो। लेकिन एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुंचकर दोस्तों आपको दिखाई देता है कि वहां पर जितनी भी टैक्सी है उनमें से मोस्टली गाड़ियां स्विफ्ट डिजायर ही है। और फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कोई मुझे दूसरी गाड़ी यहां पर दिखाई क्यों नहीं दे रही टैक्सी में, जबकि इंडिया में तो इतनी सारी गाड़ियां अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन आता है कि क्यों टैक्सी ड्राइवर्स मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर को ही प्रेफर करते हैं टैक्सी के तौर पर, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, यहां पर आपका जवाब मिलने वाला है आपके इस क्वेश्चन का। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मुझे यहां पर आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, जो कि आप कर सकते हैं एआरडी व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है बट मेरे लिए ये बहुत वैल्यूएबल है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें कुछ डिटेल्स को एनालाइज करना पड़ेगा, जो कि हमें लेके जाएगी उस आंसर तक, जिसे हम स्टार्ट करते हैं इंडिया की टैक्सी मार्केट को एनालाइज करने से। अब वैसे तो इंडिया की टैक्सी मार्केट काफी ज्यादा बड़ी है और अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप की तो अराउंड 20.61 बिलियन है इंडिया की मार्केट कैप, जो कि INR में बनती है ऑलमोस्ट 1.71 लाख करोड़ एंड ये इस तरीके से ग्रो हो रही है 13.66% की CAGR पर कि 2030 तक ये मार्केट पहुंच जाएगी $38.90 बिलियन, जो कि बनता है अराउंड 3.5 लाख करोड़। तो ये सब डेटा सुन के आपको लगा होगा दोस्तों कि आज के टाइम के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे टैक्सी से, बट मैं आपकी सोच को यहाँ पर दोस्तों गलत कहना चाहूंगा। और ऐसा मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक टाइम पर जहाँ पर अर्ली 2015-16 के टाइम पर जो भी कैब ड्राइवर कैब चलाते थे ओला एंड उबर के अंदर, वो 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमाते थे, वहीं पर आज के टाइम पर उनकी अर्निंग जो है नीचे जा करके मुश्किल से 30-40 हजार तक भी नहीं हो पाती है। लेकिन उसके पीछे के रीजंस क्या है आखिर? क्या लोगों ने कैब्स को यूज करना कम कर दिया, या फिर ड्राइवर्स ने ज्यादा मेहनत करना कम कर दिया, या फिर कंपनी ने ही कम पैसा पे करना शुरू कर दिया? तो इन तीनों में से दोस्तों मैं तीसरे रीजन को यहाँ पर ब्लेम करना चाहूंगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर इनिशियल डेज में कंपनीज का फोकस था ड्राइवर्स के ऊपर, आज के टाइम पर कंपनी का फोकस हो चुका है ओनली कंज्यूमर के ऊपर। जहां एक टाइम पर 2015 के आसपास जहां पर कैब बिजनेस इंडिया में पॉपुलर हो रहा था क्योंकि इंटरनेट वेव आई थी, वहां पर कंपनीज का फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को एंड ड्राइवर्स को अपनी एप्लीकेशन के साथ में जोड़ना है, वहीं पर आज फोकस हो चुका है कंपनी का कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को अपने साथ जोड़ना है। इसीलिए एक इतना बड़ा गैप हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कंपनी सिर्फ ट्राई कर रही है कि कैसे कंज्यूमर्स को कम से कम रेट में वो अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सके एंड वहीं दूसरी तरफ उस प्राइस को कम करने के चक्कर में वहां ड्राइवर्स की इनकम भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और ये इनकम की कम होती हुई डार्क रियलिटी मेरे को तब पता लगी दोस्तों, जब मैंने कुछ कैब ड्राइवर्स के इनकम को जानने की कोशिश की। वहां पर मुझे पता लगता है दोस्तों कि एक इंसान ने ओला एंड उबर के अंदर जब 2015 में अपनी कैब लगाई थी तो उसकी पहले महीने की इनकम 1.5 लाख रुपए आई थी, जिसको की पा करके वो बहुत खुश हुआ था एंड उसके बाद में चलते हुए उसने एक और सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के ओला के अंदर लगाई, बट टाइम के साथ चलते चलते उसके ये हालात पहुंच गए, वो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलमेंट भरने के भी काबिल नहीं रह पाया एंड आज उसकी इनकम मुश्किल से 30-40 हजार रुपए ही होती है दो गाड़ियों से। एंड वहीं पर कंपनी ने अपनी पॉलिसीज एंड सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से वो एडिशनल पैसा एंड पर्क्स कमा ही ना पाए। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो स्टार्टिंग डेज में कंपनीज ऑफर करती थी कि आपको 5,500 रुपए मिलेगा अगर आप 10 से 11 ट्रिप कंप्लीट करते हैं इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वहीं पर दोस्तों उसको चेंज करके आज के टाइम पर कर दिया गया है 15 ट्रिप और मिलेंगे सिर्फ आपको 2,000 रुपए ही। और दोस्तों, ये तो सिर्फ हो गया एक पॉइंट, मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट अप्रूव टैक्सी का रेट देखते हैं पर किलोमीटर का, वो आता है अराउंड 14-16 रुपीज। एक ऑटो का अगर हम रेट देखते हैं तो वो आता है अराउंड 8 रुपए पर किलोमीटर एंड वहीं पर अगर हम एक कैब का रेट उठाते हैं ओला या उबर तो वो पड़ता है 5 किलोमीटर पर किलोमीटर। अब इतने कम पर किलोमीटर रेट के पीछे दोस्तों सिर्फ एक ही रीजन है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो है कंज्यूमर फोकस्ड अप्रोच। तो दोस्तों, अब जब इतनी ज्यादा कम अर्निंग हो चुकी है इन दोनों ही एप्लीकेशन में, या सिमिलर ही हम बात करें ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो वहां पर भी इनकम अब उतनी ज्यादा नहीं बची है जो इनिशियल स्टेज पर हमें देखने के लिए मिलती थी। तो वहां से शुरुआत होती है दोस्तों टैक्सी ड्राइवर की तरफ से एक्सपेंसेस को काटने की, क्योंकि सिर्फ वही एक तरीका है जिसकी वजह से वो अपनी इनकम को ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके एक्सपेंसेस ज्यादा रहे तो उनके पास में काफी कम प्रॉफिट बचेगा एंड उसी एक्सपेंसेस को कम करने के काम आती है दोस्तों मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सोचने वाली बात हमारे सामने ये भी आती है कि अगर एक्सपेंसेस को ही कम करना है तो क्यों ना मारुति सुजुकी की ऑल्टो ले लें या फिर एस्प्रेसो ले लें, क्योंकि वो गाड़ियां तो स्विफ्ट डिजायर से भी ज्यादा माइलेज देती है एंड एक्सपेंसेस उनके डिजायर से भी ज्यादा कम है। लेकिन प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों जैसा आप सोच रहे हैं, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सब्र रखो, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कैब के ना दो काम होते हैं, एक तो होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर एक कस्टमर को छोड़ना, लेकिन वहीं पर दूसरा आता है एक प्लेस से दूसरी
प्लेस पर कस्टमर को छोड़ना बट विद कंफर्ट, जो कि हमें डिजायर में देखने के लिए मिलता है लेकिन एस्प्रेसो या फिर एल्टो में देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वो एक छोटी हैचबैक है। वहीं पर डिजायर एक कॉम्पैक्ट सेडान है एंड सेडान में ज्यादा कंफर्ट एंड ज्यादा स्पेस मिलता है। अब इस पॉइंट को दोस्तों आप ऐसे समझ पाएंगे कि जब आपने अभी एक कैब बुक की थी एंड स्विफ्ट आपको लेने के लिए आई थी, तो उस टाइम पर आप एयरपोर्ट गए थे तो आपके पास में सूटकेस भी होंगे एक या दो, एंड उस सूटकेस को आपने रखा होगा आगे वाली सीट पर या फिर डिक्की में एंड पीछे आराम से बैठ के गए होंगे कंफर्ट में। वही कंफर्ट अगर आपको एक एल्टो या एस्प्रेसो लेने के लिए आती तो आपको नहीं मिलता। अब ये पॉइंट तो मैंने बता दिया कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कि कंज्यूमर को ज्यादा स्पेस एंड ज्यादा कंफर्ट मिले। अब मैं बताता हूँ आपको ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से। जब भी आप फोन में एप्लीकेशन खोलते हैं कैब बुक करने के लिए, तो आपको वहां पर स्मॉल कैब्स, सेडान्स एंड प्राइम सेडान्स का एक ऑप्शन मिलता होगा एंड वहां पर आपको एक प्राइस में भी डिफरेंस देखने के लिए मिलता होगा तीनों ही गाड़ियों में, क्योंकि सेडान्स को बुक करने के लिए आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू हैचबैक्स और मिनी कार्स। अब दोस्तों जब आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है एक सेडान को बुक करने के लिए, तो वहां पर जो कैब का ड्राइवर है उसको भी ज्यादा पैसा मिलता होगा जब वो एक सेडान को लगवाता है किसी भी कंपनी में। तो यहां पर दोस्तों कैब ड्राइवर्स के लिए दो विन विन सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं। और इन सब के अलावा मैं आपको एक और सिचुएशन बताऊंगा जहां पर कैब ड्राइवर्स को विन विन फील होता है एंड वो है डिजायर टूर मॉडल। मारुति एंड सुजुकी ने काफी पहले ही इस चीज को फील कर लिया था कि इंडिया में कैब्स की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है एंड उनको पता है कि हमारी गाड़ी रिलायबल है एंड उनका डिजायर वर्जन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। तो उन्होंने मार्च 2012 में ही मारुति सुजुकी डिजायर का एक टूर वर्जन लॉन्च कर दिया था, जिसमें कि आपको एक लिमिटर मिलता था स्पीड के ऊपर एंड और भी कुछ स्पेसिफिकेशंस थे कि वो एक बेस मॉडल स्पेक वर्जन था एंड उसमें कोई भी फालतू के फीचर्स नहीं मिलते थे, सिर्फ ओनली काम काम की चीजें जैसे कि चार टायर, एक बॉडी एंड एसी बस। अब इनिशियली तो मारुति ने सिर्फ इसको पेट्रोल एंड डीजल में ही ऑफर किया था, बट उसके साथ में टाइम के चलते हुए इसका सीएनजी स्पेक वर्जन भी लॉन्च कर दिया था कंपनी ने, जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कैब्स में कि वो आज के टाइम पर आपको मोस्टली हर एक गाड़ी नॉर्थ इंडिया के साइड में तो सीएनजी में ही देखने के लिए मिलती है डिजायर। और यहाँ पर अगर माइलेज का एक मैं आइडिया आपको देना चाहूँ सीएनजी स्पेक वाले वर्जन का, तो 25 से 30 किलोमीटर की माइलेज पर केजी सीएनजी में कहीं नहीं गई। और अगर वहीं पर हम अगर रेट देखते हैं सीएनजी का 75 रुपीज पर केजी, जो कि हमें दिल्ली में देखने के लिए मिलता है, तो आपको पर किलोमीटर में ऑलमोस्ट 3 रुपए ही पड़ता है सिर्फ, जिससे कि कैब ड्राइवर की पॉकेट के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ता एंड वो ज्यादा पैसा कमा पाता है अपनी लागत से। माइलेज के अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर एक सर्विसिंग का पॉइंट ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मारुति सुजुकी डिजायर की सर्विस काफी ज्यादा कम है एंड सिर्फ डिजायर ही नहीं मारुति की सभी गाड़ियों की सर्विस का जो कॉस्ट आता है वो काफी ज्यादा कम है कंपैरिजन तो दूसरी गाड़ियों के, जो कि इस गाड़ी को बनाता है एक रिलायबल, ड्यूरेबल, माइलेज मशीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव मशीन। एंड ये एक कंप्लीट वही मशीन है जो कि एक टैक्सी ड्राइवर को चाहिए एंड यही सब वो रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से कोई भी एक टैक्सी ड्राइवर अगर एक नई टैक्सी परचेज करने के लिए जाता है तो उसके पीछे हायर चांसेस होते हैं कि वो स्विफ्ट डिजायर को ही प्रेफर करता है दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में। दोस्तों आप सबके क्या थॉट्स हैं इन सब के ऊपर मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों को शेयर करना। मैं आपको मिलता हूँ एक ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।